में आप देखने वाले हैं कि अपनी कंट्री के बाहर से, जी हाँ इंटरनेशनली, आप शॉपिंग करके चीजें कैसे अपने घर मंगवा सकते हो। बेसिकली अपने मोबाइल से इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हो, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। अपनी कंट्री के बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से प्रोडक्ट मंगाने के कई रीजंस हैं। कभी कभार ऑफर कोई बेचने वाली कंपनी बहुत अच्छा रखती है, प्राइस बहुत कम है, या प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर है, या फिर जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपकी कंट्री में बिकता ही नहीं। मिसाल के तौर पे ओलंपस का कैमरा था और उसकी बैटरी चाहिए थी मुझे, अपनी कंट्री में कहीं भी नहीं बिक रहा था, तो इन दैट केस मुझे ऑनलाइन उस चीज़ को इंडिया के बाहर से मंगाना पड़ा। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया पिछले वीडियोस में कि हमको एक क्विक इजी तरीका बताओ कि हम दूसरी कंट्री से सामान अपनी कंट्री में कैसे मंगवा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको आसान तरीका बताऊँगा। दोस्तों, कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ये लोग यूजुअली कई इंटरनेशनल सेलर्स के साथ टाई अप करते हैं और उनके सामान आपको बेचते हैं। तो इसमें एक वेबसाइट है गियर बेस्ट, आप देख रहे हैं, दूसरी वेबसाइट है डील एक्सट्रीम, एक और वेबसाइट है बैंगुड, और एक वेबसाइट है गीक बाइंग, एक वेबसाइट है ऑनर बाय, और इसी तरह से एक वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इन सब वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कभी कभार बहुत अच्छे ऑफर्स भी रहते हैं। मैं मोबाइल पर इन वेबसाइट्स की एप्लीकेशन से आपको रियल में शॉपिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अली एक्सप्रेस इस वेबसाइट की एप्लीकेशन को फ़ोन में डाउनलोड करके इंटरनेशनली एक प्रोडक्ट इंडिया में इम्पोर्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं मोबाइल पर आता हूँ और डाउनलोड करते हैं अली एक्सप्रेस ऐप। तो दोस्तों देखिए, मैं गूगल प्ले स्टोर पे हूँ और ये आपको दिख रही होगी वो सारी वेबसाइट्स जो मैंने आपको दिखाई थी उनकी एप्लीकेशंस। तो डाउनलोड शुरू करते हैं। अली एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड इंस्टॉल हो गई, मैं ऐप ओपन करता हूँ। उसके बाद आप सिंपली ऐप को लॉन्च करके कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वापस डालनी नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली बार क्या क्या डिटेल्स डालना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी ऐप पे जाइए तो उस पर रजिस्टर कर लीजिए। इन सारी ऐप्स पर आप गूगल जीमेल के अकाउंट से या फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन होकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, साइन इन करें। अब आप देखिए यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आया है, क्लिक कीजिए। अब अपना ईमेल आईडी डालिए, मैं भी अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप नाम के बाजू में जो ये आइकन बना है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है नीचे, इस पर क्लिक कीजिए। ऐड ए न्यू एड्रेस पे क्लिक कीजिए। कोशिश कीजिए यहाँ पे अपना सही नाम देने की, तो इन केस अगर प्रोडक्ट शिप नहीं हुआ सही से या प्रोडक्ट को लाने वाला कुरियर मैन आपको ढूंढ रहा है तो सही नाम रहेगा तो आपको ट्रेस करना आसान होगा। मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ, यहाँ पर अपना सही मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, टाइप कर सकते हो अपना एड्रेस। दोस्तों, यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस आप कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि एवरी टाइम अगर आपका शिपिंग एड्रेस सेम है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। मैं वो कर देता हूँ। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए एड्रेस दो लाइन में डालने की। बुकिंग के टाइम आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ डिटेल्स, डिटेल्स सेव हो गई हैं। बैक जाऊँगा अकाउंट सेटिंग्स पर और अब मैं होम पर जाके कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ वो मैं ख़रीद सकता हूँ। कोई प्रोडक्ट यहाँ पे जो ख़रीदना चाहते हैं वो शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ, क्लिक कीजिए उस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे ऊपर शेयर का ऑप्शन है, इसमें आप व्हाट्सएप पे जाकर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी दोस्तों एक प्रोडक्ट है जो ख़रीदना था, तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ था। मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, लिंक डायरेक्ट ऐप में ओपन हो जाएगी और मैं वहाँ से बाय कर लूँगा। व्हाट्सएप खोला मैंने, प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक किया, ब्राउज़र में खोलिए, ब्राउज़र वो लेकर जाएगा उसको उसी वेबसाइट पर आपके ऊपर। ये देखिए, अब मैं अगर ये ख़रीदना चाहता हूँ तो कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है मुझे, फॉरेस्ट पैराडाइज। दोस्तों देखिए, ये फ्री शिपिंग टू इंडिया, यानी शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शिपिंग चार्जेस और कस्टम ड्यूटी चार्जेस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस बारे में समझने के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगी। मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि ऐड अ न्यू डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। मैं यहाँ पे ऐड न्यू क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स पे सेलेक्ट करता हूँ। एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड की डिटेल्स अब मैं डाल रहा हूँ। कार्ड नंबर, मंथ, ईयर ऑफ एक्सपायरी,
सिक्योरिटी कोड। दोस्तों सिक्योरिटी कोड यानी CVV नंबर, जो कार्ड के पीछे आखिरी 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, वो आपको डालना है। अगर आपके कार्ड पे कोई नाम नहीं है तो जो बैंक का कार्ड है वो बैंक के अकाउंट में जो आपका नाम है वो डाल दीजिए। सेव दिस कार्ड का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करेंगे तो अगली बार ये उसको अपने आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन लोड कर लेगा, यानी आपको हर बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे ऑप्शनल मैसेज है टू द सेलर। ये देखिए, जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगा रहे हैं, अब आपको पता होगा कि यूरोप वगैरह में जो पिन होती है इलेक्ट्रिक सॉकेट में जो जाती है, उसका पावर वोल्टेज में फ़र्क होता है और उसकी पिन भी जो है पतली होती है, चपटी होती है, जबकि इंडिया में राउंड पिन यूज़ होती हैं। तो वो आप कह सकते हो यहाँ पर कि एज दिस इज शिपिंग टू इंडिया, प्लीज़ प्रोवाइड पिन, या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक है ना आपका रिक्वायरमेंट हो जो आप सेलर को बताना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं इसको नहीं डालूंगा। तो दोस्तों पे करते हैं, मैंने पे पे क्लिक किया। देखिए ये अब OTP पूछ रहा है। ये OTP कभी कभार पूछता, हमेशा नहीं पूछता, तो मैं OTP डाल देता हूँ जो मेरे मोबाइल पर आई है, जो मोबाइल नंबर मेरे कार्ड से लिंक्ड है उस पर मैं OTP डाल रहा हूँ। थैंक यू फॉर द परचेज हो गया मेरा। अब मैं माई ऑर्डर्स पे जाकर, देखिए ईमेल भी आ गया मुझे, ये बैंक का स्टेटमेंट भी आ गया कि मेरे कार्ड से पैसे डिडक्ट हुए हैं। अब मैं माई ऑर्डर्स पे जाऊँ अगर, तो मुझे मेरा प्लेस किया हुआ ये ऑर्डर दिखना चाहिए। ठीक है, अकाउंट माई ऑर्डर्स, देखिए ये है मेरा ऑर्डर जो प्लेस हुआ है। अब आप इस पर क्लिक करोगे ऑर्डर पे सर, जो सेलर है उसको आप मैसेज भी कर सकते हो। इन वेबसाइट पे यूजुअली लाइव चैट भी होता है, अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप उनको बता सकते हो। 24 घंटे में वो वेरीफाई कर लेगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई थी कि नहीं। आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो। और ये है फिलहाल ऑर्डर डिटेल्स। जब कंफर्मेशन आ जाएगा 24 घंटे बाद, तो वो आपको ट्रैकिंग ID देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस शहर से शिप हुआ, कहाँ पहुँचा इवेंचुअली आपके घर तक, तो वो आप ट्रैक कर पाओगे। इसको यूजुअली 30 दिन, 1 महीना, 35 दिन लगता है। तो मैं समझता हूँ जब तक 40 दिन ना हो जाए, 35 to 40 days, आप पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे घर पे आएगा तो शायद मैं अपने ट्विटर पे या कहीं और इसको अपडेट दे दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग, जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगली बार जब आपको शॉपिंग करनी होगी तो ये कितना क्विक है प्रोसेस आपको बताता हूँ। अली एक्सप्रेस खोला, जो भी आपको ख़रीदना है आप इसमें से सर्च कर सकते हो। जैसे 32 GB आपको SD कार्ड ख़रीदना है, चूज़ कीजिए फ्री शिपिंग टू इंडिया, कैपेसिटी सेलेक्ट कीजिए 32 GB, 766 रुपीज़ का। दोस्तों चूंकि हमने अकाउंट सेट कर लिया था और इस ऐप को पता चल जाता है आप किस कंट्री से बुकिंग कर रहे हैं, तो ये अपने आप डॉलर्स को बदल के आपकी कंट्री की करेंसी में उस प्रोडक्ट का प्राइस बताएगा, जैसे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में बता रहा है। अब बाय नाउ करेंगे। अब ये देखिए, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी ले लिया उसने, मेरा एड्रेस भी ले लिया, कुछ नहीं, सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करना है और बुकिंग हो जाएगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि कितना फास्ट है ये प्रोसेस। दोस्तों एक बार मैंने माइक्रो SD कार्ड मोबाइल के लिए ख़रीदा, साथ में उन्होंने जो कैमरे में बड़ा वाला SD कार्ड लगता है वो अडैप्टर भी दिया, ताकि ये 32 GB मैं कैमरे में भी यूज़ कर सकूँ, और साथ में फ्री पेन ड्राइव भी दी। यानी काफ़ी कुछ वो इस तरह से कस्टमर का ख्याल करते हैं। तो दोस्तों यही बताना था मुझे। अब मैं समझता हूँ कि 15 to 20 seconds to 30 seconds के अंदर आप इंटरनेशनली कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जिस तरह से फ़ोन पर आपने शॉपिंग की, उसी तरह से आप डेस्कटॉप पर इनकी वेबसाइट पर भी शॉपिंग कर पाएंगे, तरीका सेम रहेगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, वो देखे बगैर आप कोई भी शॉपिंग मत करना इंटरनेशनली अपनी कंट्री के बाहर। ये मेरा आपको सजेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और वो इतना फ़ायदा देंगी आपको कि आप कॉन्फिडेंस के साथ खरीद पाएंगे, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आप धोखा या आपको कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगा इसकी वजह से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए प्रोफेशनल और थोड़ा हटकर वीडियो बनाएं और सारे पॉइंट्स को एड्रेस कर सकूं। साथ देने के लिए दोस्तों शुक्रिया, अगले वीडियो में मिलेंगे।